टुडे वी आर डूइंग मल्टीप्लाइंग थ्री नंबर्स. समटाइम्स यू नीड टू मल्टीप्लाई थ्री नंबर्स टुगेदर. तो इसका क्या मकसद है कि जब आप तीन नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे थ्री वंस आर ट्रांसपोर्टिंग क्रेट्स कंटेनिंग टीवीज टू अ सुपरमार्केट. तो तीन वैन्स हैं, ठीक है. ईच वैन कैरीज एट क्रेट्स, ईच क्रेट कंटेन्स फोर टीवीज. तो हाउ मेनी टीवीज इन टोटल आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द सुपरमार्केट. उन्होंने कहा है तीन वैन्स हैं, उसके अंदर जो है आठ क्रेट्स हैं, और हर क्रेट में आठ चार टीवीज हैं. तो हम जो है थ्री मल्टीप्लाई बाय एट मल्टीप्लाई बाय फोर करेंगे. तो उन्होंने कहा है कि अगर आप थ्री एट फोर को जंबल करके भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर थ्री को जो है एट से मल्टीप्लाई करें, फिर एट को फोर से मल्टीप्लाई करें, या थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा. मल्टीप्लाई जो है वो हमें चॉइस देता है कि हम किस नंबर को पहले या बाद में मल्टीप्लाई करें. तो यस, तो उन्होंने कहा कि हम चेक करते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाय एट मल्टीप्लाई बाय फोर. जैसा कि हमें पता है थ्री एट जार 24, तो थ्री एट जार 24 हो गया. 24 फोर जार 96, तो 24 फोर जार अब हम कर रहे हैं, और 24 फोर जार आ गया 96. अब इन्होंने कहा है कि हम दूसरा पेयर जो है वो करेंगे. पहले जो था वो थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई बाय जो है वो क्या था, थ्री एट जार 24 मल्टीप्लाई बाय फोर था, ये था ना. तो अब हम डिफरेंट वे में कर रहे हैं, एट को फोर से करेंगे और फिर हम थ्री से करेंगे. तो फिर भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, एट फोर जार 32 और फिर थ्री से करेंगे, थ्री टू जार 6 और थ्री जार 9, अगेन 96 आंसर आया. तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हमें ये चॉइस देता है कि हम डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स को भी अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा. ये जो हमारे पास चॉइस है ये तीन नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए. सम नंबर्स आर इजियर टू मल्टीप्लाई देन अदर्स. सो फॉर मोस्ट ऑफ अस दैट इंक्लूड्स नंबर्स लाइक 1, 2, 5, 10, 20, 50 एंड 100. उन्होंने कहा कि अगर 1, 2, 5, 10, 20, 50 और 100 के नंबर्स हों तो आपको बहुत आसानी हो जाती है मल्टीप्लीकेशन करने में. 10 का नंबर, जैसा कि हमें पता है, एक सिंपल हमने जो है वो रूल किया था कि जो भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा उसके आगे एक जीरो लग जाएगा. फॉर सपोज 13 10s are 130, 16 10s are 160. सेम जो है सेम जो रूल है वो 20 के लिए भी अप्लाई होता है. फॉर सपोज 5 2s are 10 होता है, तो 10 के आगे जीरो लगा दें. तो ये रूल जो है जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत आसानी देता है. दीज नंबर्स आर समटाइम्स कॉल्ड कंपैटिबल नंबर्स. दे आर नंबर्स दैट वी हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग, सच एज द वैल्यूज ऑफ द कॉइन्स वी यूज व्हेन शॉपिंग. वी आर एबल टू कैलकुलेट क्विकली विद दीज नंबर्स. जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर वी हैड टू मल्टीप्लाई बाय 17 और 29 ऑल द टाइम. लेट्स लुक एन एग्जाम्पल. What is 5 multiplied by 13 multiplied by 2? Beginning with 5 multiplied by 13 may prove tricky as it's not a fact we learned from the timetables. 13 is not a compatible number. So, but 5 and 2 are. Remember, the great thing about multiplication is that it can be done in any order. So let's rearrange the multiplication to bring the compatible numbers together. So हम यहाँ क्या करेंगे, 5 और 2 को एक साथ ले आएंगे ताकि जो है 5 और 2 एक साथ मल्टीप्लाई हो. 5 2s are 10 हो जाएगा और 10 13s are 130. तो ये जो है वो क्विक हो गया, मोर हमने ज्यादा आसानी से सॉल्व कर लिया इसको. तो ये देखिए, तो ये आप जो है वो किस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी थ्री नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन में. क्लिक द नंबर्स विच मल्टीप्लाई टू मेक 100. अब आप देखें 50 और 2 बनेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, तो अब आप जब 100 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 114. ये देखिए, ठीक है, 100 4 7 14 नहीं होगा क्या, ऑल करेक्ट. हाउ, ओ सॉरी, देखा क्विक करने का ये नतीजा होता है. तो 100 14 = 1400. सो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन मैं इसमें से कर देती हूँ. सेम हम करेंगे
टू फाइव ज़ार टेन और फिर टेन को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 190 बन जाएगा। चैलेंज ये भी बहुत मज़े का है, मुझे मज़ा आ रहा है। मेरा बच्चा भाग गया है और उसको जो है वो काम नहीं करना था क्योंकि उन्हें रोज़ा रखा हुआ है आज। तो यस, सम मल्टीप्लीकेशंस कैन बी ट्रिकी, स्पेशली इफ दे आर नॉट टाइम टेबल्स फैक्ट और डू नॉट इन्वॉल्व एनी कंपैटिबल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 38? Unless you know your 38 timetable, this may be difficult. But we can find ways to make multiplication easier. One way is to split a multiplication into parts that includes number facts that we know. This can be done by splitting numbers into factor pairs. Factor pairs are simply two numbers multiplied together to get one number. Every whole number has at least one factor pair. The factor pair of 7 is 1 and 7. The factor pairs of 14 and 1 and 14 and 2 and 7. The factor pairs of 15 are 1 and 15 and 3 and 5. Factor pair means break karna, jaise hum LCM kehte the, us tarike se. Let's use factor pairs to calculate 5 multiplied by 38. 38 has two factor pairs, 1 and 38 and 2 and 19. We can split 38 into any of its factor pairs. So 5 multiplied by 38 equals to 5 multiplied by 2 multiplied by 19. Same. 5 multiplied by 2 is easy. 10 multiplied by 19. So it's like 190. So aap agar factor pairs ko jo hai apne number ko taqseem kar dein to aapko zyada jo hai wo aasani hogi. So 6 multiplied by 35 ko agar 6 multiplied by 5 multiplied by 7 kar dein तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा बनिस्बत जो है 6 मल्टीप्लाई बाय 35 के। 30 and 7 0 0 7 3 21, तो ये हो गया सेम। तो यहाँ पे सब क्वेश्चंस है, ठीक है। आप भी अपने बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चंस दे सकते हैं, उनको फैक्टर पेयर्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। पार्टिशनिंग जो जी अनदर मेथड आ गया। Partitioning involves breaking a number down into parts to make a calculation easier. Here is an example, 37 multiplied by 6. 37 can be split by place value on its 10s and 1s, 30 and 7. Each of these pairs can be multiplied by 6 and combined to produce the same result as 37 multiplied by 6. Ye bhi bada acha method hai. 37 multiplied by 6 equals to 30. Multiply by 6, edit 7 multiplied by 6. So 3 6 are 18 and then 30 multiplied by 6 is 180, क्योंकि हमने 37 को 30 और 7 में डिवाइड कर दिया है। 7 multiplied by 6 is easy because we know our timetables. 7 6 are 42 and 180 plus 42 equals to 220. अच्छा, अब आपने ना ये इसको 2-3 दफा रिपीट करके देखना है, वरना आपको ये डिफिकल्ट लगेगा कि ये क्या हो गया है। तो आपने दोनों मेथड्स बच्चे को एक्सप्लेन करने हैं, तो जो उनसे मेथड उसको पसंद आया, व्हाट वुड दिस लुक लाइक इफ वी डिड द कैलकुलेशन मेंटली। 37 मल्टीप्लाई बाय 6, ये देखें 30 और 7 में से ब्रेक कर दिया है, 6 से दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को ऐड कर दिया। देखिए उन्होंने कितना अच्छा बताया, ये देखें कितना अच्छा बताया उन्होंने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टू गेट द आंसर सी 7 मल्टीप्लाई 56 और 560 हो गया, एड 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और क्या हो जाएगा 568। सो ये रहा आंसर। उन्होंने कहा आपने अब लिखना है इसमें, ठीक है जी, अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, इम्तिहान है हमारा। 50 ओके जनाब, 400 plus 16 416, यस, अब यहाँ सही आंसर हो।
थोड़ी टेंशन होती है. सही आंसर है. सो यस, यू विल रिमेंबर दैट डिविजन फैक्ट्स कैन बी डिराइव फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स टू फॉर्म अ फैक्ट फैमिली. अच्छा जनाब, नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, 7 5 35 एंड 5 7 35. डिविजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो वी ऑल्सो गेट 35 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 5. 35 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 7. Knowing how to turn a multiplication fact into a division fact can make division easier. ये fact family वाले हैं. जिस तरह fact family plus minus की होती थी ना, इस तरह fact family division और multiplication की होती है. आजकल बच्चे पढ़ते नहीं है, मुझे इतना गुस्सा आता है, इनको याद कैसे होगा ये सब. Anyways, as the order multiplication does not matter, 5 7 = 7 5, same is goes with multiplication. See. So 7 5 35, we can also get 70 multiplied by 50 equals to 300 and 3500. तो ये जो है ना, मल्टीप्लाइंग और मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से आता है. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ जो है वो अच्छा होगा. मेरी एक फ्रेंड है, वो इंडियन है, और वो जो है बताती है मुझे कि उसके अब्बू उसको सुबह 4 बजे उठा के बिठा देते थे, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो दिमाग इतना फ्रेश होता है कि सुबह सुबह जो है हमारा दिमाग अपनी प्रॉपर हालत में होता है काम करने के लिहाज से. तो वो फिर कहती है, मैं सुबह, वो मेरे साथ खुद भी जागते थे कि मैं पढ़ रही हूँ या नहीं. और वो मतलब इतनी लाइक है कि मैं हैरान होती हूँ कि कैसे यार. तो हमें भी अपने बच्चों को, वैसे आजकल के बच्चे तो मानते नहीं क्या करें, लेकिन ये बहुत अच्छी आदत थी कि सुबह जल्दी उठें और उस वक्त बैठ के पढ़ें. नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइड बाय जीरो बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू मेक जीरो ग्रुप्स ऑफ अ नंबर. दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग पिज्जाज. इमेजिन टू पिज्जाज आर टू बी शेयर्ड बिटवीन 4 पीपल. हाउ मेनी पिज्जाज विल ईच पर्सन गेट? यस दैट्स राइट, 1/2 ऑफ पिज्जा ईच. नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइड बाय जीरो बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू मेक जीरो ग्रुप्स ऑफ अ नंबर. नाउ इमेजिन 4 पिज्जाज आर to be split between 2 people. How many pizzas will each person get? Yes, 2 pizzas each, of course. What about 0 pizzas shared between 2 people? That's easy, each person got 0. But what about 2 pizzas split between 0 people? This is impossible, as we don't have any people to share the pizzas with. So divided by 0 is not possible. What about divided by 1? Any number divided by 1 equals that number. For example, 27 ones are 27. 489 divided by 1 equals to 489. In other words, if you divide it by 1, you have one group and everything is in that group. So the method involves splitting, partitioning the numbers to be divided into a multiple of the dividing number. Come on. For example, what is 98 divided by 7? See, we know that 7 multiplied by 10 equals to 70. So we can split the number to be divided by 98 into the 70 and 28. तो यस, मेरा रोज़ा है तो अब मैं, मेरा गला खुश हो गया. सो यस, 17 and 28 कैन बोथ बी डिवाइड बाई 7 एंड द रिजल्ट्स आर एडिट टुगेदर. नेक्स्ट, ये सही, वो जो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन था इन्होंने रिवर्स कर दिया है. See, so 198 divided by 9, 20 multiplied by 9 equals to 180. We can split 198 into 180 plus 18. So, ye dekhiye aap, 22 answer aa gaya hai. Aaye, mujhe solve karna padega. 10 6 are 60, 26 are 1. No, Sidra, kya ho gaya? Haan, sahi to tha. 120. सो अब हम क्या करेंगे, सेम डिवीजन करेंगे. 100 कर देती हूँ
और यहाँ क्या करूँ, 74 कर दूँ तो 6 डिवाइड बाई 100 क्या होगा, हाय अल्लाह इतना दिमाग चलाना पड़ेगा इस मुझे। 6 वन ज़ार 6 और 10 में से 6 गया, 4 बचा 40, ओके 40 बचा, 6 वन ज़ार 6, 6 5 ज़ार 35, लेकिन 40 तो नहीं आता तो इसको मैं चेंज कर देती हूँ, फिर 170 कर देती हूँ, 170 कर देती हूँ। इसको क्या कर देती हूँ, 4 170 ना, अच्छा 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 15, 20 भी नहीं आता ना 6 के टेबल में, तो क्या करूँ, 6 174 174 डिवाइड बाई 6, फर्स्ट कंप्लीट दी 6 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट, अच्छा 60 और 120 ये हेल्प करेंगे, या ला दिमाग की नहीं होगी, 10 6 ज़ार 60, 20 मल्टीप्लाई 60, अच्छा सही सही, देखा उन्होंने मुझे बताया, मैं जो इतनी नवाब की औलाद हूँ ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है मुझे। सो अब क्या हो जाएगा, 120 बाई 6 क्या हो जाएगा, 20, ओहो नहीं 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 तो 4 का जाएगा, 124 का जाएगा मुझे, स्वीट। सो थोड़ी मैंने साइंस लगाई है और 102 और 72 कर दिया है, तो 102 प्लस 72 होगा तो 174 हो जाएगा, तो 6 1 ज़ार 6 होता है, ठीक है, और 42 हो गया, 6 7 ज़ार 42, तो 6 1 ज़ार 6 और क्या हुआ, 6 7 ज़ार 42, ओके अगेन 6 1 ज़ार 6, 1 वहाँ गया 1 और 6 2 ज़ार 12, चलें जनाब ऐड करते हैं, इज्जत नहीं रहेगी मुझे नहीं लग रहा। 17 प्लस 12 कितना आया, 29, क्या ये सही आंसर है, क्या ये सही आंसर है, क्या ये सही आंसर है, जी हाँ ये सही आंसर है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत दिमाग की नहीं हो गई लेकिन मज़ा बहुत आया, बच्चों को ऐसा मज़ा नहीं आता करने में, तो मैं इस मेथड को दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। 168 को हम डिवाइड करेंगे उन पोर्शंस में जो 6 से आते हैं, तो हम क्या करते हैं, 4 आता है, ठीक है जी, 124 कर देती हूँ, नहीं 124 नहीं कर सकती, 1 भी नहीं कर सकती, क्या करूँ। सो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, 1 बचा और 2 पे गया, सो 6 2 ज़ार 12 अगेन, और 6 6 ज़ार 36 और 28, चुप कर, ये भी करेक्ट हो गया, 8, अच्छा कि 200 कहाँ आएगा, 8 डिवाइड 200 क्या होगा, 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, चलो 8 2 ज़ार 16 कर देते हैं हम ना, 8 2 ज़ार 16, 40 बचा, 8 5 ज़ार 40, अच्छा 8 1 ज़ार 8 और 26, शुक्र अल्लाह मैंने इज्जत रख ली। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, बहुत मज़े का लगा मुझे तो मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।